तो चांगलांगला से निकलने के बाद वीडियो नहीं कर सका क्योंकि फिर से बारिश आ गई थी। अभी हमको तो जाना है, मैं जितना देर तक मैं खींच सकूं। अभी यहाँ से कारू है और 17 or 18 किलोमीटर होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर फिर से सामने फिर से बारिश आ गया तो प्रॉब्लम है, अगर बारिश नहीं आती है तो जितना डर हो सके अगर हो सके तो मैं उपसी तक भी जा सकता हूँ। पहले स्नोफॉल, उसके बाद बारिश, वो देखो सामने एक आर्मी वालों से खबर लिया कि बारालासला पास ओपन है। अभी देखते हैं क्या होता है। अगर ओपन है मैं तो निकल जाऊंगा। चांगलांगला पास पे तो पूरा स्नोफॉल हो रहा था, उसके बाद माइनस डिग्री का जो ग्लव्स तो हम लोगों के पास नहीं था, तो इंडियन आर्मी वालों ने बहुत हेल्प किया, खाना खिलाया, जूस पिलाया, क्या बोले यार। अभी इच्छा करने के बावजूद मैं उन लोगों का वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि वो सिक्योरिटी एगेंस्ट में होता है। पता नहीं वॉयस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ही भयंकर तरीके से यहाँ पे हवा हो रही है, सामने कहीं पर बारिश हो रही है, पूरा क्लाउडी है सामने। बारिश होने से मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि बोलते बारिश आ गई, फिर से बारिश आ गई। बोलते बारिश आ गई फिर से, अभी क्या करें। वहां पे चल, आजा आजा आजा, हुआ है ऐसा कि बारालासला पास अभी बंद है और यहाँ से लोकल ट्रक ड्राइवर से बात की है जो कि एक डेढ़ महीने से वेट कर रहा है, यहाँ से हम जा नहीं सकते। ये चीज़ मिस हो गया, मतलब हम सोचे थे कि ये रास्ते से रिटर्न हो जाएगा जो नहीं हो रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ ले, मेरे साथ देव भी जा रहा है और ले जाने के बाद कल शायद वहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि जोजिला पास ओपन है और कोई ऑप्शन नहीं है अभी क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता। यहाँ से मेरा ज़्यादा पड़ेगा 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर मेरा ज़्यादा पड़ेगा वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी तक, लेकिन कर क्या सकते हैं, रोड बंद है। अभी रोड कब ओपन होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं। अभी ले से निकलने के बाद खींच के चलाना पड़ेगा पूरा, कोई ऑप्शन नहीं है। और
मनाली था पीछे, पीछे का जो रोड था वो मनाली का रोड था, और ये जो रोड जा रही है ये ले तक जाएगी। ले यहाँ से है 34 किलोमीटर, मैंने देखा तो यहाँ से 33 किलोमीटर होगा। और क्या कर सकते हैं, हो गया, हम लोगों का सब कुछ हो गया। मेरा तो जम्मू कश्मीर भी पूरा कंप्लीट हो गया, लेलाना भी पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन ये रास्ते से रिटर्न होने से ये रास्ते का व्यू बहुत अच्छा था। पास ओपन नहीं हुआ, कुछ कर नहीं सकते। और इधर खारू में होटल के लिए खारू में रुके थे, तो खारू में है लॉकडाउन। खारू दोनों बोलते हैं, जैसे कि यहाँ का जो प्रोनाउंसिएशन है, बहुत जने बहुत टाइप का प्रोनाउंसिएशन करते हैं यहाँ पर। कारू में रुके थे तो कारू में होटल नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। अभी ले छोड़ के कुछ ऑप्शन नहीं है। मिलते हैं आगे जाके। तो कल मॉर्निंग में मैं सीधा लेह से निकलूंगा और एक बार मैं सिलीगुड़ी पहुंच के ही बाइक स्टॉप करूंगा। मुझे ना कोई जगह में मुझे रोकना नहीं है। अभी जोर से शुरू हो गई बारिश। रिटर्न होने के टाइम पे मुझे कोई होटल पे कहीं पर भी नहीं रुकना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कोई लाइन होटल पे रास्ते में रुक के थोड़ा चाय वाय पी लिया, बस एक बार भी रिटर्न होना है, मेरे पास छुट्टी नहीं है। और मैं अभी डायरेक्ट जा रहा हूँ कारगिल। यहाँ से मेरा जर्नी फिर से शुरू होती है अभी ना। ये जो जा रहा है ना, ये चार बाइकर्स मिल गए अभी। हम लोग अब एक साथ ही बस कर रहे हैं ज़ासिला। आज मैंने अपना शू रैप नहीं करा, मैं सोचा था रिटर्न होने के टाइम पे कोई भी वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि सेम ही रास्ता होता है, सेम रास्ता क्या दिखाना। लेकिन सिर्फ ज़ासिला जो है थोड़ा दिखा देता हूँ, उसके बाद और वीडियो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि रास्ता सेम ही है। अगर मैं मनाली से जाता तो दूसरा बात था, और मनाली का रोड तो बंद है, कुछ कर नहीं सकते। कब ओपन होगा कोई सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो मनाली रोड से आऊँगा और थोड़ा लेट करके आऊँगा, क्योंकि वो रोड भी मुझे दिखना था।
चलो सही है, जम्मू कश्मीर पूरा और लेह लद्दाख पूरा एक बार में कंप्लीट हो गया। आज बहुत सारे ट्रक्स हैं, बहुत सारे, 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा होगा। आज बड़े बड़े गाड़ी छोड़े आज। लॉकडाउन में पूरा घूम लिया परमिट लेके। परमिट आपके पास है तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा आपको हेल्प कर देगा। अभी 31 मई तक कोई नहीं आ सकता क्योंकि टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया और हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। अभी के लिए लेट होगा। स्ट्रेट देखो, स्ट्रेट सोचा था थोड़ा पानी कम रहेगा इसलिए पैर मैंने रैप नहीं किया, आज भारी पड़ गया, पूरा शू भीग चुका है मेरा। हम लोग अभी एक साथ ही जा रहे हैं श्रीनगर तक। रोकने का कोई इरादा नहीं है। आज 23 डेज हो गया मैं घर से निकला हूँ और भी टाइम लगेगा थोड़ा, ऐसा लिए जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है ना। तो अभी जोजिला क्रॉस कर गया, सामने है सोनमार्ग, यहाँ पे एक चेक पोस्ट आएगा, शायद चेक पोस्ट पे मेरा नंबर नोट करेगा कि कौन कौन सा बाइक क्रॉस किया। मेरे पीछे और 2-3 बाइक है जो आज बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, देख भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 चेक पोस्ट आता है, एक चेक पोस्ट मैंने क्रॉस कर गया, वहाँ पे सिर्फ नोट किया मतलब कितना बाइक जा रहा है, यहाँ पे शायद नंबर चेक कर सकता है। ये है वो चेक पोस्ट जो चेक पोस्ट ने पहले दिन मुझे रोक दिया था। रुकना है सर, थैंक यू।
रुके यहाँ पर,